आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ मोदी केयर के लॉयल्टी कूपन्स के बारे में। जैसे लॉयल्टी कूपन होता क्या है, लॉयल्टी कूपन आपको कब मिलता है और आप कैसे इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, इस्तेमाल के दौरान क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉयल्टी कूपन होता क्या है। यदि आप मोदी केयर में ज्वाइन हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि आपको लॉयल्टी प्रोग्राम कंटिन्यू करना होता है, जिससे आप अपनी अर्निंग को और इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ग्रोथ को और जल्दी पा सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम मोदी केयर में दो तरह के होते हैं। पहला, जब आप 6 मंथ तक लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं तो 7th मंथ आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा होता है, जब आप 12 मंथ की लॉयल्टी पूरा करते हैं तो 13th मंथ में आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दोनों ही कूपन अलग अलग होते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम की सारी जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस लिंक के जरिए लॉयल्टी प्रोग्राम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल लॉयल्टी कूपन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप 6 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं तो 7 मंथ आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी लॉयल्टी, 6 मंथ की जो लॉयल्टी थी वो कितने अमाउंट की थी, और 6 मंथ की लॉयल्टी के एवरेज को आपको लॉयल्टी कूपन के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, यदि आपने 6 मंथ तक 2500 की शॉपिंग करी है तो 7 मंथ जो आपका एवरेज आता है वो 2500 का आता है। इसका मतलब ये है कि आप 2500 के प्रोडक्ट उस लॉयल्टी कूपन के जरिए परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी आपको ये समझ में आ गई होगी कि लॉयल्टी कूपन होता क्या है और ये कब मिलता है। इसी तरह जब आप 12 महीने कंप्लीट कर लेते हैं लॉयल्टी के, तो आपको 13वां महीना जो मिलता है, अगेन 13वां महीना आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो कूपन का मकसद ये होता है कि आपको जो आपने कंपनी की तरफ लॉयल्टी दिखाई है उसको और मोटिवेट करने के लिए, उसको और आगे इम्प्रूव करने के लिए एक कूपन, एक फ्री कूपन आपको दिया जाता है, जिसके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जब आप इस लॉयल्टी कूपन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लॉयल्टी कूपन होने के बावजूद भी आप उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, इन सारी जानकारी को अब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो लॉयल्टी है वो आपने कवर करी है कंप्लीट 5000 तक की लॉयल्टी आपने पूरी करी है। इसका मतलब आपने कंप्लीट 6 मंथ 5000 के सामान परचेज किए हुए हैं और 7th मंथ आपको टोटल 5000 का लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो जब भी आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाता है उस लॉयल्टी कूपन की वैलिडिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की होती है। इसका मतलब आपको उस 1 मंथ के अंदर इसको यूज़ करना होता है। रिडेम्पशन पीरियड जो है वो 3rd week ऑफ एवरी मंथ टू मंथ एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। जिस मंथ में आपको लॉयल्टी कूपन मिल रहा है उस लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल आप उसी महीने के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं और अगले मंथ के आखिरी हफ्ते तक कर सकते हैं। यदि आप इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं कर पाते हैं तो आपका वो लॉयल्टी कूपन एक्सपायर हो जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी को आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाता है तो आप उस लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल 3rd हफ्ते के उस महीने से कर सकते हैं और अगले महीने के लास्ट वीक तक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि जब कभी भी आप लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी बीवी या पीवी पॉइंट इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसका मतलब यदि आपने 5000 लॉयल्टी कूपन को अर्न किया है, 5000 लॉयल्टी कूपन कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है, तो आप कंप्लीट 5000 की जो भी आप परचेसिंग करेंगे उस 5000 का एक भी बीवी या पीवी काउंट नहीं होता। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जितने भी अमाउंट का लॉयल्टी कूपन अर्न करते हैं वो लॉयल्टी कूपन को एक इन्वॉइस में आपको कंप्लीट यूज़ करना होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आपको 5000 का लॉयल्टी कूपन मिला है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके उसे यूज़ करें। आप एक बार में ही पूरे कूपन को यूज़ करते हैं तभी वो कूपन वैलिड होता है, तभी वो कूपन आप यूज़ कर पाते हैं। इसका मतलब यदि आप उस कूपन को यूज़ कर रहे हैं, अपने 5000 के कूपन को यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार में आप 5000 या 5000 से अबव की शॉपिंग करेंगे तभी वो कूपन यूज़ होगा। 5000 के कूपन पे यदि आप 5100 का शॉपिंग करते हैं तो 5000 आपके कूपन से कट जाता है और 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने का भी आपको कूपन बनता है आपको शॉपिंग उस अमाउंट से ज़्यादा की करनी होती है, तभी वो कूपन वैलिड होता है, तभी वो कूपन आप यूज़ कर पाते हैं। अब आइए जानते हैं कि जब आपको ये कूपन मिलता है तो आप ऑनलाइन कैसे चेक कर पाते हैं कूपन को। उसके लिए आप मोदी केयर ऐप या फिर मोदी केयर की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कैसे आप मोदी केयर वेबसाइट में अपने लॉयल्टी कूपन को चेक कर पाते हैं कि कितने अमाउंट का आपको लॉयल्टी कूपन मिला हुआ है। तो उसके लिए आपको मोदी केयर की वेबसाइट पर जाना होता है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन जो होता है उससे साइन इन करना होता है। साइन इन करने के बाद जैसा कि आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन जो थी उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में आपको ये पहला पॉइंट दिखेगा लॉयल्टी का, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉयल्टी पे क्लिक करते हैं तो आप यदि अपना MCA नंबर की लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं तो आप अपने MCA नंबर का लॉयल्टी चेक कर सकते हैं, या फिर यदि किसी और दूसरे मेंबर का
किसी भी डाउनलाइन का लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यदि आप अपने खुद का लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ इस टेबल के जरिए आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे देखिएगा, ये 6 मंथ की मेरी लॉयल्टी कंप्लीट हुई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मंथ की लॉयल्टी पूरी हुई थी। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ कुछ जो अमाउंट है वो 2500 से कम के हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ ड्यूरेशन में इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, लॉयल्टी प्रोग्राम की पॉलिसी को चेंज कर दिया गया था, जहाँ पे मिनिमम अमाउंट 1500 तक का था। इस वजह से आप यहाँ पे मेरे अमाउंट में जो लॉयल्टी चेक कर पा रहे हैं, इसमें आप 2500 से कम के भी अमाउंट को चेक कर पा रहे हैं। पर फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि लॉयल्टी आप चेक कैसे करेंगे कि कब आपको लॉयल्टी मिली है और कब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लॉयल्टी मंथ मेरा कंप्लीट हुआ है 2020 8 मंथ के, मींस अगस्त 2020 में मेरा ये लॉयल्टी कंप्लीट हुआ था, और फर्स्ट लॉयल्टी अमाउंट मेरा था 2020 रुपये। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी मैं इस लॉयल्टी कूपन को यूज़ करूँगा तो मुझे 2020 से ज़्यादा के अमाउंट की शॉपिंग करनी होगी, तभी मैं इस कूपन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कूपन एक्टिवेटेड इन POS, यहाँ पे कभी आपका DP लिखा हो सकता है, यहाँ पे कभी आपका वेब लिखा हो सकता है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है, जो आपकी जो लॉयल्टी कंप्लीट होने की जो लास्ट मंथ होता है, जैसे मेरे केस में ये अगस्त वाला था, ये अगस्त की मैंने जहाँ से शॉपिंग करी है वहाँ से ही मुझे इस लॉयल्टी कूपन का बेनिफिट मिलेगा। यदि मैंने अगस्त मंथ में शॉपिंग करी होती इंटरनेट से ऑनलाइन तो यहाँ पे वेब लिखा होता, यदि मैं अगस्त मंथ की शॉपिंग DP से किया होता तो यहाँ पे DP लिखा होता, यदि मैं यहाँ पे ये शॉपिंग मैंने मोदी के लाइफस्टाइल से की है इसलिए यहाँ पे ये POS लिखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखें, लॉयल्टी कूपन को अचीव करने की जो लास्ट शॉपिंग आप जहाँ से करते हैं, लॉयल्टी कूपन को इस्तेमाल भी आपको उसी जगह पे करना होता है। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें हैं तो लॉयल्टी कूपन भी आपको ऑनलाइन ही यूज़ करना होगा, यदि आप DP में लास्ट शॉपिंग करें हैं तो आपको DP में जाके उसको रिडीम कराना होगा, यदि आपने मोदी के लाइफस्टाइल से शॉपिंग करी हुई है तो आपको मोदी के लाइफस्टाइल से उसको इस्तेमाल करना होगा। ये बात थी मोदी केयर की वेबसाइट से आप कैसे चेक कर पाते हैं अपने लॉयल्टी कूपन को। तो आइए जानते हैं मोदी केयर ऐप के जरिए आप कैसे अपने लॉयल्टी कूपन को चेक कर पाते हैं। सबसे पहले आपको मोदी केयर ऐप में साइन इन करना होता है अपने MC और पासवर्ड से, और जैसे ही आप इसमें साइन इन करते हैं इसमें नीचे आके आपको एक ऑप्शन दिखता है माई कमीशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। माई कमीशन पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है लॉयल्टी रिपोर्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, पहला ऑप्शन होगा आपको अपना खुद का लॉयल्टी चेक करना, और दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है आप अपने किसी भी डाउनलाइन के लॉयल्टी को चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना खुद का लॉयल्टी चेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेल्फ पे क्लिक करके ओके पे प्रेस कर दिया है। एंड शो रिपोर्ट जब करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सारी डिटेल जैसा अभी आपने वेबसाइट के जरिए देखा था वही सारी डिटेल आपको यहाँ पे मोदी केयर ऐप के जरिए दिख जाती है। यहाँ पे फर्स्ट लॉयल्टी मंथ मेरा अगस्त 2020 में कंप्लीट हुआ, इसलिए यहाँ पे 2020 08 लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉयल्टी अमाउंट मेरा था 2020 रुपीज़, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। एंड इसके बाद जो सेकेंड लास्ट पॉइंट, ये कूपन एक्टिवेटेड इन पॉज लिखा हुआ है, इसका मैंने भी जिक्र अभी किया था कि जहाँ से भी आप लास्ट शॉपिंग करते हैं अपनी लॉयल्टी को कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉयल्टी कूपन को यूज़ करेंगे उसके यूज़ के लिए भी आप उसी शॉप का हेल्प ले सकते हैं जहाँ से आपने लास्ट शॉपिंग करी थी। कहने का मतलब, यदि आपने DP से शॉपिंग करी है लास्ट शॉपिंग, तो आप DP से अपने लॉयल्टी कूपन को रिडीम करा सकते हैं। यदि आपने शॉपिंग मोदी के लाइफस्टाइल से करी है तो आप मोदी के लाइफस्टाइल से अपना कूपन रिडीम करा सकते हैं। यदि आपने ऑनलाइन के जरिए शॉपिंग करी है, लास्ट मंथ की शॉपिंग करी है, तो आप ऑनलाइन के जरिए उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। इसके बाद भी मैं 2-3 पॉइंट्स और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब कभी भी आप लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि पूरा अमाउंट एक ही इनवॉइस में आपका काउंट होता है। इसका मतलब एक कंप्लीट ऑर्डर आपको ऐसा रखना होता है जिसमें आप उस पूरे अमाउंट को यूज़ कर सकें, या फिर उस अमाउंट से ज़्यादा की शॉपिंग करें ताकि वो अमाउंट उस कूपन से कट जाए और रिमेनिंग अमाउंट आप खुद पे करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ से भी आपने इस लॉयल्टी के लास्ट मंथ की शॉपिंग करी है वहीं से आप लॉयल्टी कूपन को भी यूज़ कर सकते हैं, ये बात मैंने अभी बताई। इसके बाद जब कभी भी आप लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल करते हैं तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है या फिर आपके ईमेल आईडी पर सेंड किया जाता है। उस OTP का इस्तेमाल करके आप उस लॉयल्टी कूपन के अमाउंट को यूज़ कर पाते हैं। मैंने ये आपको बता दिया कि इसमें कोई भी BV या PV काउंट नहीं होता, 0 BV और 0 PV काउंट होते हैं। एक बार यदि लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल करके आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया तो वो कैंसिल नहीं होता, वो रिटर्न नहीं होता, ये इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। लॉयल्टी कूपन का आप किसी दूसरे ऑफर के साथ कोई भी मैच नहीं कर सकते, किसी दूसरे ऑफर के साथ इसको जोड़ नहीं सकते। और साथ में ये ध्यान रखिए कि लॉयल्टी कूपन में किसी भी प्रकार का आपको रीपर्चेजिंग ऑफर नहीं प्रोवाइड किया जाता। इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को परचेज करने के लिए तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती लॉयल्टी कूपन के द्वारा परचेजिंग में। और वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप राइस ब्राइन ऑयल
केवल एक क्वांटिटी ही परचेज कर पाते हैं, ये लिमिटेशन है लॉयल्टी कूपन के लिए। और साथ में जो घी है इसकी भी लिमिटेशन वन क्वांटिटी की है कि आप राइस ब्रैन ऑयल और घी की ओनली वन क्वांटिटी को ही लॉयल्टी कूपन के जरिए परचेज कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी कूपन आपको मिला हुआ है तो आप कितनी भी क्वांटिटी के घी या कितनी भी क्वांटिटी के आप राइस ब्रैन ऑयल परचेज कर सकते हैं। ये लिमिटेशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन में है मोदी केयर के कि आप केवल वन क्वांटिटी राइस ब्रैन ऑयल एंड वन क्वांटिटी देसी घी को ही परचेज कर सकते हैं, रिमेनिंग आप सभी प्रोडक्ट की कितनी भी क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने इस लॉयल्टी कूपन से रिलेटेड इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करी है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको काफ़ी मदद करेगी जब कभी भी आप लॉयल्टी कूपन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जब कभी भी आप लॉयल्टी कूपन का इस्तेमाल करने जाते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझसे कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू नो फ्यू मोर थिंग।